मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। नई मोदी सरकार में राजस्थान से 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। पिछली मोदी सरकार में भी अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया था। वहीं इस बार भी इन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि किस सांसद को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। सबसे पहले बात भूपेंद्र यादव की करें तो भूपेंद्र यादव को इस बार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। वहीं पिछली नरेंद्र मोदी कैबिनेट में भूपेंद्र यादव को श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया था। यादव इस बार राजस्थान के अलवर से सांसद चुनकर आए हैं। भूपेंद्र यादव पूर्व में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, मोदी के करीबी हैं और ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। तो वहीं यदि बात गजेंद्र सिंह शेखावत की करें तो पिछली नरेंद्र मोदी सरकार में जल शक्ति मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को नई कैबिनेट में भी जगह दी गई है। शेखावत को इस बार संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से तीसरी बार बीजेपी के सांसद बने हैं। इसके अलावा वो एक बड़ा राजपूत चेहरा है। तो वहीं यदि बात अर्जुन राम मेघवाल की करें तो पिछली नरेंद्र मोदी सरकार में अर्जुन राम मेघवाल को कानून और संसदीय कार्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं अब उन्हें नई मोदी सरकार में भी कानून मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से चौथी बार बीजेपी के सांसद बने हैं, मोदी के करीबी माने जाते हैं और इसके अलावा बड़ा दलित चेहरा है। तो वहीं यदि बात भागीरथ चौधरी की करें तो अजमेर से सांसद चुनकर आए भागीरथ चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। भागीरथ चौधरी को इस बार मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। भागीरथ चौधरी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन लोकसभा में उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके अलावा भागीरथ चौधरी की पहचान एक जाट नेता के तौर पर भी है। तो ये वो 4 सांसद हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में इस बार जगह मिली है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।